हेलो एवरीवन वेलकम टू रविदिति क्लासेस आज की वीडियो का टॉपिक है अक्टूबर मंथली करंट अफेयर्स 2023 इस वीडियो में है फ्रेंड्स अक्टूबर के मंथली करंट अफेयर्स यानी सभी अक्टूबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 फिफ्टी क्वेश्चन को सो so, फ्रेंड्स ये एक मैराथन वीडियो रहेगी जिसमें हम सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर हमने लिए हैं वो सभी सिलेक्टेड हैं और आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे तो शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखेगा तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस मैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्या है हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ उड़ीसा तो अभी उड़ीसा स्टेट के नए राज्यपाल कौन बने हैं आंसर रघुवर दास तो अभी रिसेंट रघुवर दास जो हैं उड़ीसा के नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं अच्छा उड़ीसा की बात करते हैं तो फ्रेंड्स उड़ीसा की कैपिटल क्या है भुवनेश्वर है और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है तो याद रखेंगे नवीन पटनायक जो है करंट में उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ बीन नेम्ड बाई आई सी सी एज द ग्लोबल अम्बेसडर ऑफ मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो फ्रेंड्स आई सी सी ने जो मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है देखिए उसके ग्लोबल अम्बेसडर के लिए किसे जो है सिलेक्ट किया है या किसको अपॉइंट किया है द आंसर इज सचिन तेंदुलकर आई के द्वारा सचिन तेंदुलकर को मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है अगला क्वेश्चन है हु विल बी अवॉर्डेड द नोवल पीस प्राइज 2023 नोबल शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया जाएगा तो ये ऑनर दिया जाएगा नरगिस मोहम्मदी को अच्छा अगर बात करेंगे जो नोबल प्राइज है वो कितनी फील्ड में दिया जाता है तो याद रखेंगे करंट में छः फील्ड छह छे क्षेत्रों में नोबल प्राइज जो है हर एक साल दिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द लेक लड़की स्कीम तो लेक लड़की योजना किस स्टेट ने लॉन्च की है तो याद रखेंगे इसे लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड गंगा डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल तो किस स्टेट ने जो गंगा डॉल्फिन है उसे अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया तो ये किसने किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनेवा तो जेनेवा में यू और जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन नियुक्त किए गए हैं तो आंसर है अरिंदम बागजी नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं तो आंसर इज क्रिस्टोफर लगजन तो क्रिस्टोफर लगजन जो है ये भी न्यूजीलैंड देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच विल बिकम फर्स्ट वेटलैंड सिटी भारत का जो पहला वेटलैंड शहर है कौन सा बनेगा तो ये शहर कौन सा है राजस्थान का उदयपुर शहर अच्छा फ्रेंड जो उदयपुर शहर है ना इसे सिटी ऑफ लेक्स भी कहते हैं ये भी याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक रही थी 111 भारत वन नंबर पे था टॉप थ्री कंट्रीज कौन थी कौन सी थी इस इंडेक्स में नंबर वन पे बेलारूस सेकेंड पे बोस्निया एंड हर्जेगोविना और थर्ड नंबर पे थी चिले कंट्री इस इंडेक्स को इशू किया था कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ विच प्लेटफॉर्म टू डेवलप लीडरशिप पोटेंशियल अमंग यूथ तो यूथ में जो लीडरशिप पोटेंशियल है उसे डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी एक प्लेटफॉर्म देखिए सेटअप करने की मंजूरी दी उस प्लेटफॉर्म को नाम दिया है माई यूथ इंडिया विच इज़ बिकम द सिक्सटींथ नवरत्न कंपनी ऑफ इंडिया तो इंडिया की जो सोलवी नवरत्न कंपनी है वो कौन सी बनी है रिट्स लिमिटेड और इससे पहले पंद्रह नवरत्न कंपनी कौन सी थी इरकॉन नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिल्म हैज़ बॉर्न दी बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट दिक्सटी नाइन्थ नेशनल फिल्म अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो सिक्सटी नाइन्थ जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुए उसमें बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता फिल्म का नाम है सरदार ऊधम नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टेट ने स्टार्ट की युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम तो युवा मितान जो परिवहन योजना है इस योजना को स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की इंडिया के बाहर दिखे सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है तो यहाँ पूछा है कि इस स्टैचू को कहाँ इनाग्रेट किया गया तो इसे इनाग्रेट किया गया मेरीलैंड अमेरिका गया, में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अबुआ बीर दिशोम फॉरेस्ट राइट कैंपेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इस कैंपेन को किसने शुरू किया है तो आंसर है फ्रेंड झारखंड गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट मणिपुर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस बने उनका नाम है जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल नेक्स्ट हु विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू कंप्लीट ए आई बेस्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम टू सेव वाइल्ड एलिफेंट्स फ्रॉम ट्रेन कोलिजन तो जंगली हाथियों की जो ट्रेन से डे टक्कर हो जाती थी उसी टक्कर से उन्हें बचाने के लिए ए बेस्ड जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इस सिस्टम को पूरा करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बनेगा तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड द क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल कैंपेन इस कैंपेन को शुरू किया है किसने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ त्रिपुरा त्रिपुरा के नए गवर्नर कौन बने हैं इंद्र सेना रेड्डी नल्लू नेक्स्ट है फ्रेंड्स काती बिहू फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया गया है तो ये फेस्टिवल मनाया गया है असाम स्टेट में नेक्स्ट विच वेब पोर्टल डेवलप्ड फॉर स्कूल स्टूडेंट ऑन चंद्रयान थ्री मिशन हैज़ बीन लॉन्च बाई यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी देखिए चंद्रयान थ्री जो मिशन है इस मिशन पर स्कूल स्टूडेंट्स के लिए एक वेब पोर्टल को डेवलप किया है अब इस वेब पोर्टल का नाम याद रखेंगे क्या है अपना चंद्रयान नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री टेस्टेड इट्स न्यू लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम किस देश ने अपनी नई लेजर बेस्ड आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया तो इसे टेस्ट किया है इज़राइल नेक्स्ट क्वेश्चन बाय व्हाट नेम प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इनागरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस तो ये भारत की देखिए पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस है और किस नाम से जो है इसे इनाग्रेट किया गया तो इसे नाम क्या दिया है नमो भारत नेक्स्ट है बाईलिटल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति हैज बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास किस किस के बीच हुआ इंडिया और मलेशिया और ये अभ्यास कहाँ पे हुआ तो ये एक्सरसाइज हुई मेघालय के उमरोई कंटेनमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप तो अभी चूंकि वर्ल्ड कप इस बार का कहाँ पे हो रहा है तो ये भी याद रखेंगे इंडिया इस बार इसको होस्ट कर रहा है और मेस्कॉट का नाम क्या है ब्लेज एंड टोंक नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को स्टार्ट किया ताकि ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है इसको कंजर्वेट किया जा सके इसको संरक्षण दिया जा सके तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को स्टार्ट किया है किसने तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेल गन एन ऑफ शोर शिप तो अभी देखिए एक ऑफ शोर शिप से जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेल गन है इसे लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है जापान नेक्स्ट क्वेश्चन है धोर्डो विलेज किस स्टेट में लोकेटेड है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए सिलेक्ट किया और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने जो बेस्ट विलेजेस की लिस्ट आई उसमें इस गांव को देखिए चुना है और जो धोडो विलेज है ये लोकेटेड कहाँ पे है गुजरात स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे 2023 सेलिब्रेटेड तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को इस दिन की थीम रही इक्वालिटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं सही आंसर है संजय कुमार जैन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्सटेक तो बिम्सटेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंडियन कौन बने इंद्रमणि पांडे नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टर हैज अपॉइंटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज इट्स नेशनल आइकन सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नेशनल आइकन के लिए किसी किस एक्टर को अपॉइंट किया है तो सही आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे राजकुमार राव को अपॉइंट किया गया अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज़ देखिये द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट सिक्सटी नाइन्थ नेशनल फिल्म अवार्ड्स तो अभी देखिए जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता अल्लू अर्जुन ने और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें ये भी याद रख लीजिएगा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता आलिया भट्ट एंड सेनन ने नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए रॉबर्ट फिको किस कंट्री के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो रॉबर्ट फिको अभी स्लोवाकिया के चौथी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने नेक्स्ट क्वेश्चन द कोर्ट ऑफ विच कंट्री हैज सेंटेंस्ड एट फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल टू डेथ किस देश की अदालत ने देखी है जो भारतीय नौसेना की आठ पूर्व कर्मी हैं उनको मौत की सज़ा सुनाई है तो ये अभी सजा सुनाई है कतर देश की जो है अदालत कतर देश की कोर्ट ने नेक्स्ट भारत और ब्रिटेन के बीच में टू प्लस टू जो पहली डायलॉग हुआ ये डायलॉग कहाँ पर हुआ तो भारत ब्रिटेन के बीच में पहली बार देखिए टू प्लस टू डायलॉग हुआ और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्कूल टेक्स्ट बुक ऑफ विच इंस्टीट्यूट वर्ड भारत विल बी यूज इंस्टीट ऑफ इंडिया तो किस इंस्टीट्यूट की जो स्कूल की बुक्स हैं उसमें इंडिया की जगह अब भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बुक्स हैं एन सी आर टी की नेक्स्ट क्वेश्चन कोटक महिंद्रा बैंक के एम डी और सी ई कौन बनी है द राइट आंसर इज अशोक वासवानी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल दी वर्ल्ड फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी ओपन तो दुनिया की पहली जो वाटर यूनिवर्सिटी है ये खुलेगी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेशिया की नई किंग कौन बनी है आंसर इज सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर ये मलेशिया की नए किंग बने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट और यूटी हैज लॉन्च जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये योजना किसने शुरू की है न्यू दिल्ली ने नेक्स्ट क्वेश्चन वट पोजिशन की पोजिशन क्या रही थी भारत रहा था फिफ्थ नंबर पे भारत ने टोटल मेडल्स जीते थे एक सौ ग्यारह जिसमें से ट्वेंटी नाइन गोल्ड थर्टी वन सिल्वर और फिफ्टी वन ब्रॉन्स मेडल रही नेक्स्ट क्वेश्चन हैज़ won द प्रस्टीजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड 2023 सो प्रतिष्ठित जो शास्त्र रामानुजन पुरस्कार है ये पुरस्कार किसने जीता है रुई जिया झांग ने विच स्टेट द चीफ मिनिस्टर्स माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना इस योजना को शुरू किया है बिहार गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी इस सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो सेकेंड अक्टूबर को इस बार महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई तो इस बार सेलिब्रेट की गई वन फोर्टी फोर्थ बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था सेकेंड अक्टूबर एटीन सिक्सटी नाइन को पोरबंदर गुजरात में और इस बार थीम क्या रही तो इस बार जो इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस थीम रही इसकी वन डेट वन आवर वन टूगेदर अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन जिसका नाम है जे गुरु जी तो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ये एक ऑनलाइन एजुकेशन एप्लीकेशन है और इसे लॉन्च किया है झारखंड गवर्नमेंट ने तो जे इसे याद रख लीजिएगा जे फॉर जे गुरू जी और जे फॉर झारखंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर्स हैव वॉन द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन द मिक्सड डबल इवेंट ऑफ एशियन गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो एशियन गेम्स में जो मिक्स्ड डबल इवेंट हुआ था उसमें इंडिया के लिए गोल्ड मेडल कि उन्होंने जीता तो गोल्ड मेडल जीता रोहन बोपन्ना एंड ऋतुजा भोसले ने और एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे तो इसका आयोजन हुआ था हांगजो चाइना में नेक्स्ट क्वेश्चन अश्विनी दानी हैज़ पास्ड अवे हु वॉज ही तो अश्विन दानी की बात करें कौन थे तो ये एशियन पेंट्स के को फाउंडर थे जिनका अभी निधन हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ट्वेंटी एर्थ डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं तो सीमा सड़क संगठन के ट्वेंटी एट्थ डायरेक्टर जनरल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन नेक्स्ट क्वेश्चन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज नारी शक्ति वंदन एक्ट बीन मेड तो जो नारी शक्ति वंदन एक्ट है ये एक्ट कौन से संविधान संशोधन से बना है तो इसके लिए संशोधन कौन सा हुआ था वन जीरो सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेक्स्ट है क्वेश्चन हु विल बी अवॉर्डेड द नोबल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इसे फिजियोलॉजी भी बोल देते हैं फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबल प्राइज किसे मिला तो इस बार मिला हंगरी की कैथलिन कारी को एंड अमेरिका के ड्रू वीजमैन को तो इन्हें मिला मेडिसिन के क्षेत्र में नोबल प्राइज नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर डिसेबल्ड पीपल और इस ट्रेनिंग सेंटर को नाम क्या दिया है अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर तो जो डिसेबल्ड पीपल हैं दिव्यांग जन हैं उनके लिए इस ट्रेनिंग सेंटर को इनोग्रेट किया मोदी जी ने और कहाँ पर किया ग्वालियर मध्य प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू रिलीज कास्ट बेस्ड सेंसेज डेटा तो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना बिहार नेक्स्ट क्वेश्चन द इलेवेंथ एडिशन ऑफ एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सम्प्रीति हैज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो सम्प्रीति जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुई कौन सा एडिशन हुआ इस बार इसका इलेवेंथ एडिशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मालदीव के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं द आंसर इज मोहम्मद मोईजू सो मोहम्मद मोज़ू मालदीव के बने हैं नए प्रेसिडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन चीफ मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स पेंशन असिस्टेंट स्कीम तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना इस योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन है किस कंट्री ने साउथ ईस्ट एशिया की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को लॉन्च किया तो ये जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है ये साउथ एशिया की पहली देखिए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन है और इसे लॉन्च किया है किसने इंडोनेशिया ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिकम द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द ग्लोबल इंडियन अवार्ड तो ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली वुमेन कौन बनी द आंसर इज सुधा मूर्ति नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑपरेशन हैज इंडिया स्टार्टेड टू ब्रिंग बैक इंडियंस ट्रैप्ड इन दी वॉर बिटवीन इसराइल एंड द फलस्त ऑर्गेनाइजेशन हमास हमास और जो इसराइल के बीच में देखिए अभी वॉर छिड़ गई थी वॉर चल रही थी उसी दौरान इंडियंस जो कि वापस आना चाहते थे उनको भारत वापस लाने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन अजय नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का नया प्रेसिडेंट कौन सा देश बना आंसर श्रीलंका फ्रेंड्स हमारी जो लास्ट सेवन मंथ्स करंट अफेयर्स की ई बुक है जनवरी टू जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगला क्वेश्चन देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट द मिशन शक्ति दीदी कैंपेन टू एम्पावर वुमेन एंड मेक दैम सेल्फ रिलाइंट महिलाओं को एम्पावर करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य के चीफ मिनिस्टर ने मुख्य मिशन uh, शक्ति दीदी कैंपेन को शुरू किया तो इस कैंपेन को शुरू किया उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड प्रयाग पोर्टल टू तो प्रोवाइड जॉब इन्फॉर्मेशन टू द यूथ तो युवाओं को देखिए जॉब इन्फॉर्मेशन देने के लिए प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किसने किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सरस्वती सम्मान टू थाउजेंड ट्वेंटी टू सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया शिव शंकरी को यहां देखिए इनकी बुक याद रख लीजिएगा किस बुक के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान मिला तो बुक का नाम क्या है सूर्य वंशम नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनग्रेटेड दन फोर्टी फर्स्ट सेशन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी तो मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो वन फोर्टी फर्स्ट सेशन हुआ सेशन को पे इनग्रेट किया तो इस सेशन को इनोग्रेट किया गया मुंबई में अगला क्वेश्चन है किस ऑर्गेनाइजेशन ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसे कहा स्पेक्स ट्वेंटी थर्टी फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम विजन प्रॉब्लम जो लोग देखें विजन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं उन लोगों के लिए स्पेक्स ट्वेंटी थर्टी नामक जो इनिशिएटिव है इस इनिशिएटिव को लॉन्च किसने किया है डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेक्स्ट क्वेश्चन सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवॉर्ड विल बी अवॉर्डेड टू तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा माइकल डगलिस को और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है सिनेमा के फील्ड में अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स लॉरियस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं तो आंसर इज नीरज चोपड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेस्कॉट ऑफ वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का मेस्कॉट का नाम क्या है तो आंसर है यहां पे जूही नेक्स्ट क्वेश्चन Which new sports have been included in the Olympics to be held in Los Angeles in the year 2028? तो वर्ष 2028 में देखिए लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाले जो ओलंपिक खेल हैं उनमें कौन से नए स्पोर्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है तो नए स्पोर्ट्स हैं बेसबॉल या सॉफ्टबॉल कह लीजिए नेक्स्ट है स्क्वैश लेक्रोस फ्लैग फुटबॉल एंड क्रिकेट तो इन सभी स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया ओलंपिक्स जो कि कहाँ पे होंगे लॉस एंजल्स में अगला क्वेश्चन है किस स्पेस एजेंसी ने साइकी मिशन को लॉन्च किया टू स्टडी एस्ट्रॉयड जितने भी शुद्ध ग्रह हैं उनका अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन को लॉन्च किया है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज़ द फोर्थ एशियन पैरा गेम्स हेल्ड चौथे जो एशियन पैरा गेम्स थे ये हुए थे हांगसो चाइना में मेस्कॉट का नाम क्या था फेफे -फे और इसका मोटो था हार्ट मई मीट ड्रीम्स शाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज़ द प्रेजेंस ऑफ तिलापिया पारवो वायरस बीन डिटेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया भारत में पहली बार किस स्टेट में तिलापिया पारवो वायरस की मौजूदगी का पता चला है तो इस वायरस की प्रेजेंस कौन से स्टेट में देखने को मिली है तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह फर्स्ट इफको नैनो लिक्विड डी अमोनियम इंडिया फर्टिलाइजर प्लांट तो इस प्लांट को अमित शाह ने इनाग्रेट किया कहाँ पर गांधीनगर गुजरात में नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे यानी विश्व सांख्यिकी दिवस ये सेलिब्रेट कब किया गया ट्वेंटी अक्टूबर को और इस बार इसकी थीम रही टर फ्रेमवर्क विद नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अगला क्वेश्चन है हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लेज लेस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज असम चीफ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा इनोग्रेटेड असम सेकेंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूट फ्लाईओवर तो ये असम का दूसरा सबसे लंबा ट्रिब्यूट फ्लाईओवर है और इसका उद्घाटन असम के चीफ मिनिस्टर ने किया कहाँ पे तो आंसर होगा गुवाहाटी में नेक्स्ट क्वेश्चन बिकम द फर्स्ट वूमेन टू बर्न दफ्य ऑफ रावण इन द फेमस लव कुश रामलीला ऑफ न्यू दिल्ली नई दिल्ली के जो फेमस लव कुश रामलीला है उसमें रावण पुतले का दहन करने वाली पहली वुमेन कौन बनी है कंगना रनौत नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कंपनी ने लॉन्च किया डिजी कवच प्रोग्राम इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था कि इंडिया में देखिए जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं उन फ्रॉड से लड़ना उनके अगेंस्ट वर्क करना तो डिजी कवच प्रोग्राम को लॉन्च किया है गूगल कंपनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ यूनियन ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनोग्रेटेड द आदि महोत्सव तो अर्जुन मुंडा ने आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया अहमदाबाद शहर में नेक्स्ट एक इस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ली के कियांग जो है इनका भी निधन हो गया तो ली के कियांग जो है ये चाइना के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया सो भारतीय विज्ञापन मानक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं गुप्ता नेक्स्ट क्वेश्चन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के का जो चेयरमैन है किसे अपॉइंट किया गया है द आंसर इज के एन शांता कुमार नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ हुन द बुक बुक का नाम है नेशन कॉलिंग तो नेशन कॉलिंग जो बुक है ये बुक किसने लिखी सोनल गोयल ने नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड इंसीडेंटल प्रॉफिट टैक्स ऑन क्रूड ऑइल फ्रॉम टेन थाउजेंड रुपीज पर टन टू हाउ मच तो तीस सितंबर से कच्चे तेल पर जो इंसिडेंटल प्रॉफिट टैक्स है उसे दस हजार रुपये प्रति टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है तो यह कर दिया गया है ट्वेल्व थाउजेंड वन हंड्रेड पर टन नेक्स्ट क्वेश्चन रिसर्चर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूट हैज मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी रिलेटेड टू डीप सी एंजाइम और इस एंजाइम को नाम दिया है पीई टी फोर्टी सिक्स तो इस एंजाइम की जो खोज है वो किस इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने की तो इंस्टीट्यूट का नाम है कील यूनिवर्सिटी जो कि है जर्मनी में अगला क्वेश्चन है वेयर इज द नाइन्टी फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स हेल्ड तो इंडियन एयरफोर्स जो है इसकी स्थापना एथ अक्टूबर को थी आठ तो अक्टूबर को यह मनाया जाता है और इसका जो नाइन्टी फर्स्ट फर्स्ट फाउंडेशन डे का सेलिब्रेशन था यह सेलिब्रेशन कहाँ पे किया गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेडल हैज बीन वॉन बाय इंडियन स्क्वेश टीम इन द नाइनटीन एशियन गेम्स उन्नीसवें जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें इंडिया की जो स्क्वैश टीम है उन्होंने कौन सा मेडल जीता तो इंडिया की स्क्वैश टीम ने जीता गोल्ड मेडल नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ सिल्वर मेडल इन गोल्फ इन द नाइनटीन एशियन गेम्स तो गोल्फ में देखिए रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी है अदिति अशोक नेक्स्ट है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू मेक अ स्कीम अंडर लॉ टू हेल्प ऑर्फन चिल्ड्रन तो जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनकी मदद करने के लिए भारत के पहला राज्य कौन सा बना जिसको जिन्होंने कानून के तहत योजनाएं बनाई हैं तो पहला स्टेट बना हिमाचल प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी डेडिकेटेड एन एम डी सी ग्रीन फील्ड स्टील प्लांट टू नेशन तो किस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे छत्तीसगढ़ अगला क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फोर्थ स्टेट ऑफ इंडिया टू स्टार्ट ई कैबिनेट सिस्टम तो ई e कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना त्रिपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन विच हैज बिकम इंडिया फर्स्ट वुमेन सेंट्रिक पुलिस स्टेशन तो अब इस स्टेशन को आई एस ओ के द्वारा सर्टिफाइड किया गया पुलिस स्टेशन का कौन सा है ये कहाँ पे है भोपाल मध्य प्रदेश नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द लिस्ट ऑफ वन हंड्रेड एट कंट्रीज इन द ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स तो अभी देखिए जो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स आई थी उसमें एक देशों की सूची में इंडिया को स्थान मिला है सिक्सटी नंबर वन पे इस पर कंट्री रही डेनमार्क नीदरलैंड रहा नंबर दो पे और जर्मनी रहा नंबर तीन पे इशू किसने किया तो इस इंडेक्स को इशू किया है नॉर्ट लॉयर ने नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द वर्ल्ड हेल्थ समिट हेल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो दो हजार में जो वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ ये हुआ बर्लिन जर्मनी में और इसकी थीम रही अ डिफाइनिंग ईयर फॉर ग्लोबल हेल्थ एक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल सिक्स्थ असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायस बी हेल्ड इन 2023 तो इंटरनेशनल सोलर एलायंस की जो छठी सभा हुई सभा कहां पर आयोजित की जाएगी नई दिल्ली में अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड थर्टी फाइव परसेंट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए पैंतीस प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन है कलारी डिश ऑफ विच स्टेट और यूटी हैज बीन प्रोवाइडेड जीआई टैग तो जो कलारी व्यंजन है देखिए ये कहां से है जम्मू कश्मीर से है ये और इसे अभी मिला है जी टैग अगला क्वेश्चन है देखिए विच टीम हैज द हंड्रेड मेडल फॉर इंडिया इन द नाइनटीन एशियन गेम्स उन्नीसवें देखिए जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भारत के लिए सोवा मेडल किस टीम ने जीता तो ये मेडल जीता वुमेन्स कबड्डी टीम ने अगला क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तो इस पोर्टल को लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एस के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल किस स्टेट में मनाया गया तो हॉर्नबिल फेस्टिवल भी इम्पोर्टेंट है ये मनाया गया नागालैंड स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज स्टार्टेड ऑपरेशन आयरन स्वर्ट्स तो ऑपरेशन आयरन स्वर्ट्स को किस देश ने शुरू किया तो हमास जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप है उसी के अगेंस्ट इस ऑपरेशन को शुरू किया है किसने इसराइल ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे बीन इनोग्रेटेड ये इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है इसका नाम है हेल्थ वे और इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ पे हैदराबाद शहर में नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल ऑफ दिन एशियन गेम्स तो अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें किस कंट्री ने टॉप किया तो इसमें चाइना कंट्री ने टॉप किया था चाइना कंट्री ने टोटल मेडल्स जीते थे 383 एटी थ्री मेडल्स जिसमें इंक्लूड थे टू हंड्रेड वन गोल्ड वन हंड्रेड इलेवन सिल्वर मेडल और सेवेंटी वन ब्रॉन्स मेडल्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट्स ममल्लापुरम कोस्टल टेम्पल हैज बिकम इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट तो किस राज्य में जो ममल्लापुरम देखिए कोस्टल टेम्पल है ये इंडिया के पहले ग्रीन एनर्जी आर्कोलॉजिकल साइट बन गए हैं और ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट हैज स्टार्टेड द चीफ मिनिस्टर लोक सेवक आरोग्य योजना तो किस स्टेट ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की राइट right आंसर है असम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है वेन इस पोस्ट डे सेलिब्रेटेड तो विश्व डाक दिवस ये सेलिब्रेट किया गया है नाइन्थ अक्टूबर को और इस दिन की थीम क्या रही टुगेदर फॉर ट्रस्ट कोलेबरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एस अ प्रेजिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल कॉन्फ्रेंस तो लगातार तीसरे बार देखिए किस कंट्री को ए आई बी डी जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया गया तो ये किसे चुना गया है इंडिया को नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर वॉज दी स्वामीनारायण अक्षरधाम टेंपल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हिंदू टेंपल आउटसाइड इंडिया इनोग्रेटेड ये दुनिया में देखिए ये भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है और इसका उद्घाटन किया गया है न्यू जर्सी अमेरिका में नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया हेल्ड इन द मेडल टेबल ऑफ नाइनटीन एशियन गेम्स तो उन्नीस में जो एशियन गेम्स थे उसके मेडल टेब, टेबल जो है उसमें इंडिया की पोजीशन रही फोर्थ नंबर पे इंडिया ने टोटल मेडल्स जीते थे वन हंड्रेड सेवन जिसमें इंक्लूड थे ट्वेंटी एट गोल्ड थर्टी एट सिल्वर और फोर्टी वन ब्रॉन्स मेडल्स नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग जो इंडिया की पोजीशन बतानी है स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में इंडिया किस स्थान पे पहुंच गया है तो भारत इसमें पहुंच गया है फोर्टी सेवन पोजिशन पे टॉप थ्री कंट्रीज में नंबर वन पे है यू ए देन सेकेंड पे है कतर और थर्ड पे है कुवैत अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू वैक्सीन और इस वैक्सीन को नाम दिया है आर ट्वेंटी वन मेट्रिक्स एम फॉर द प्रवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन तो बच्चों में मलेरिया को देखिए मलेरिया के प्रवेंशन को मलेरिया को रोकने के लिए इस वैक्सीन को डब्ल्यू एच ओ ने अभी अप्रूवल किया है इस वैक्सीन को मैनुफैक्चर किसने किया है आंसर इज ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने मिलकर इस वैक्सीन का निर्माण किया है नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट है न्यू टाइप ऑफ एंजाइम मिमेटिक नैनो पी टी ए दैट कैन इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय टॉक्सिक केमिकल्स इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इन सनलाइट तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसे विकसित किया है आंसर आई आई एस सी बेंगलुरु नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू कंप्लीट थाउजेंड रन इन क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री तो क्रिकेट ओडियाई वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज एक हजार रन पूरा करने वाले बैट्समैन कौन बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू डिप्लॉय एफ फिफ्टी एफ सिक्सटीन एंड एफ थर्टी फाइव डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट टू डील विद हमास टेररिस्ट इन इज़राइल तो इज़राइल में हमास की जो टेररिस्ट हैं उनसे निपटने के लिए एफ सिक्सटीन और एफ थर्टी फाइव जो डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट हैं उनको डिप्लॉय करने की अनाउंसमेंट किसने की है अमेरिका नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेडल हैज इंडियन मेन्स क्रिकेट टीम वॉर्न इन द नाइनटीन एशियन गेम उन्नीसवी एशियन गेम में इंडिया की मेन्स क्रिकेट टीम ने कौन सा मेडल जीता तो उन्होंने जीता इसमें गोल्ड मेडल नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैजंस्ड द्लिशमेंट ऑफ थ्री न्यू डिस्ट्रिक्ट इन दीन तो नए दिखे जिलों की स्थापना करने की घोषणा की है और जो तीन नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे उनका नाम होगा मालपुरा सुजानगढ़ और कुचमन सिटी तो इसके बाद जो है अब राजस्थान में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या कितनी हो गई है तो यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं 53। थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ वॉन दी नोवल प्राइज ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार जीता है अमेरिका के क्लॉडिया गोल्डिन ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज स्टार्टेड दी वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर वर्ल्कन ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोजेक्ट तो वर्ल्कन ट्वेंटी ट्वेंटी प्रोजेक्ट किस देश ने शुरू किया है यूनाइटेड किंगडम ने नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल बी अवारेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो साहित्य में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा नॉर्वे के जॉन फोर्स को नेक्स्ट क्वेश्चन हु विल बी अवार्डेड द नोबल प्राइज 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स सो बात करें यहाँ पे फिजिक्स के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार किसे मिलेगा तो तीन साइंटिस्ट को मिलेगा फ्रांस के पियरे अगोस्तिनी हंगरी के फ्रैंक क्राजग और फ्रांस के ही एन एल हुर तो इन तीनों को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबल प्राइज से सम्मानित किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन

किस वायरस से मुक्त घोषित किया है आंसर बर्ड फ्लू नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्ट्री है साइन द कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी टू बिल्ड द फर्स्ट इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप तो रक्षा मंत्रालय ने पहला जो देखी इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप है इसका निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए हैं तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है मेजागॉन डॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन बैट्समैन हैज़ ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ़ युवराज सिंह एंड क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन जस्ट इलेवन बॉल्स तो इन्होंने देखिए युवराज सिंह का जो फास्टेस्ट फिफ्टी बनाने का रिकॉर्ड था वो रिकॉर्ड तोड़ा और एक नया रिकॉर्ड बनाया और ये नया रिकॉर्ड किसने बनाया आशुतोष शर्मा ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंपनी हैज लॉन्च्ड द स्पेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट जिसका नाम क्या है क्पर सेट फर्स्ट एंड क्वीपर सेट सेकेंड तो ये जो स्पेस सैटेलाइट प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किस कंपनी ने किया है अमेजोन नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर द एथलीट ऑफ द ईयर 2023 एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किस इंडियन प्लेयर को नॉमिनेट किया गया है आंसर है नीरज चोपड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन हु वर द फ्लैग बियरर्स ऑफ इंडिया इन द फोर्थ पैरा एशियन गेम्स और ये पैरा एशियन गेम्स हुए थे हांगजाउ चाइना में तो इसमें इंडिया की तरफ से फ्लैग बियरर कौन थे तो आंसर है अमित सरोहा और पारुल परमार नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज लॉन्च ऑपरेशन चक्र सेकेंड टू एलिमिनेट साइबर रिलेटेड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल क्राइम नेटवर्क तो साइबर से जुड़े जो फाइनेंशियल दिखे क्राइम नेटवर्क है उसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र टू को लॉन्च किसने किया है सी बी आई नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पेंशन इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक रही फोर्टी फिफ्थ और इस इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया नीदरलैंड्स आइसलैंड एंड डेनमार्क सबसे बॉटम पे रही अर्जेंटीना और ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को इशू किया मर्सर सी एफ ए इंस्टीट्यूट नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू सीएमडी ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सो नए सीएमडी कौन बने हैं संजय कुलश्रेष्ठ नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैज रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस अवार्ड प्रस्टीजियस यूनाइटेड नेशन अवार्ड जो है मिला है और ये अवार्ड मिला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिटर्न द बुक टाइटल्ड द रिवर्स स्विंग कॉलोनिज्म टू कोऑपरेशन सो so, यहाँ बात करते हैं इस बुक की द रिवर्स स्विंग और ये बुक लिखी किसने है इसके राइटर हैं अशोक टंडन नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज हैजन दखर सखरो प्राइज द टॉप ह्यूमन राइट्स अवार्ड ऑफ द यूरोपियन यूनियन इन द ईयर 2023 थाउजेंड दो हजार तेईस के लिए जो सखरो प्राइस है ये किसने जीता है ईरान की जीना मेहसा अमीनी ने नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच एक्ट हैज द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू गिव लीगल रिकोगनाइजेशन टू गे मैरिज तो सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिनियम के तहत जो समलैंगिक विवाह है इसे कानूनी मान्यता देने से इनकार किया है और एक्ट कौन सा है स्पेशल मैरिज एक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी इनोग्रेटेड इंडिया टॉलेस्ट फोर फीट नेशनल फ्लैग सो so, ये भारत का देखिए सबसे ऊंचा नेशनल फ्लैग है और इसका उद्घाटन नितिन गडकरी जी ने कहाँ किया तो इसका उद्घाटन किया पंजाब के अटारी बॉर्डर पे नेक्स्ट क्वेश्चन मेजागॉन टॉप शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज हैंडेड ओवर द थर्ड स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप ऑफ प्रोजेक्ट फिफ्टीन बी टू द इंडियन नेवी तो ये तीसरा स्टेल्थ मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है जो कि इंडियन नेवी को अभी हैंड ओवर किया गया इस शिप का नाम क्या है तो इसका नाम है आई एन एस इम्फाल नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर विल दिफ्टी वन फीट हाई स्टेचू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा बी इंस्टॉल्ड तो गौतम बुद्धा की जो फिफ्टी वन फीट हाई स्टैचू है यह स्टैचू स्थापित की जाएगी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टेबलाइज स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स इन द स्टेट फॉर थ्री टाइगर रिजर्व जिनका नाम है नामदफा पक्के एंड कमलांग तो इन तीनों टाइगर रिजर्व के लिए स्पेशल जो टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है इस फोर्स की स्टेब्लाइसमेंट की है अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज टाइटल ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सेप्टेम्बर 2023। तो सितंबर मंथ के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीता है इंडिया के शुभमन गिल इन्होंने जीता है मेंस कैटेगरी में और वुमेन्स कैटेगरी की बात करते श्रीलंका की अतापत्थू जो है उन्होंने वुमेन्स कैटेगरी में ये टाइटल जीता नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ इश्यूड अ वार्निंग रिगार्डिंग पॉसिबली साइक्लोन स्टोर्म तेज फॉर्मिंग इन द अरेबियन सी ये जो स्टॉर्म था जिसको नाम दिया स्टॉर्म तेज चक्रवात जो है इस तूफान को किस देश ने इसका नाम रखा है तो इसे नाम दिया किसने इंडिया ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ रिटर्न द बुक नेम्ड मैडम कमिश्नर तो मैडम कमिश्नर बुक किसने लिखी तो इसकी ऑथर कौन है मीरा चड्ढा बुरम्बकर अगला क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी विल होस्ट द सेकेंड एडिशन ऑफ फार्मूला ई रेस इन द ईयर 2024 कौन सा भारतीय शहर 2024 में दूसरा फार्मूला ई रेस जो है उसको होस्ट करेगा तो इसे होस्ट करेगा हैदराबाद अगला क्वेश्चन हु हैज लॉन्च प्रोजेक्ट उद्भव टू प्रमोट इंडियनाइजेशन भारतीयकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने नेक्स्ट क्वेश्चन बैडमिंटन टूर्नामेंट अबू धाबी मास्टर्स में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता इंडिया की उन्नति हुड्डा ने और अगर बात करें मेन सिंगल टाइटल तो ये जीता है डेनमार्क के मेट्स क्रिस्टोफर्सन ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज स्टार्टेड द इनिशिएटिव कॉल्ड वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड जो कि है अपार आईडी तो अपार आईडी इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपार की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज टेलीकॉम कंपनी नोकिया इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सिक्स जी लैब तो नोकिया ने भारत की पहली सिक्स जी लैब का उद्घाटन कहाँ पे किया बेंगलुरु शहर में नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन एंड ग्रेट स्पिनर बिशन सिंह बेदी इनका देखिए अभी निधन हुआ ही बिलोंगड टू विच स्टेट ये बिलोंग करते थे पंजाब से एक और क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि बिशन सिंह बेदी का संबंध किस स्पोर्ट से है ये भी पूछ सकते थे तो इनका संबंध किससे था क्रिकेट से नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द नेवल एक्सरसाइज मिलान ट्वेंटी ट्वेंटी फोर बी हेल्ड तो मिलान ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ये मल्टी नेवल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज आयोजित कहाँ पे की जाएगी विशाखापट्टनम में फ्रेंड्स हमारी जो बुक है लास्ट सेवन मंथ्स करंट अफेयर्स की जनवरी टू जुलाई 2023 तो इस ई बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है इज इंडियन एयरफोर्स डे कब सेलिब्रेट किया गया ये मनाया गया आठ अक्टूबर को और इसकी थीम रही इंडियन एयरफोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज द हैजेचू ऑफ फ्रीडम फाइटर राजा राव बीन अनवील्ड तो राजा राव एक स्वतंत्रता सेनानी थे इनकी प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया आंसर इज उन्नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अवारेड द नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2022? तो so, 2022 के लिए नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया गया आंसर इज उत्तम सिंह अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज 2023 से सम्मानित किसे किया जाएगा तो केमिस्ट्री के फील्ड में ये प्राइज मिलेगा फ्रांस के मांग मोंगी जी बाविंडी यूएसए के लुइस ई ब्रूस और रशिया के एलेक्सी इकीमोव तो इन्हें मिलेगा केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज अगला क्वेश्चन देखिए हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमन एयर मार्शल टू बिकम डीजी ऑफ हॉस्पिटल सर्विस तो हॉस्पिटल सर्विस की डीजी बनने वाली पहली वुमन एयर मार्शल कौन बनी साधना सक्सेना नायर नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस स्वीट जिसका नाम क्या है रशबली तो ये फ्रेंड्स ये केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट से है और ये किसी स्टेट से है जिससे जीआई टैग मिला है तो ये फेमस मिठाई है कहाँ की उड़ीसा की इन विच ईयर विल विक्रम फर्स्ट रॉकेट बी लॉन्च्ड बाई प्राइवेट सेक्टर स्पेस स्टार्टअप स्काई रूट एरो स्पेस तो विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट है इसे देखे स्कायूट एरो स्पेस के द्वारा लॉन्च किया जाएगा किस ईयर में तो इसे लॉन्च किया जाएगा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्नोलॉजी कंपनी हेवर्ड बैकवर्ड हैज़ अपॉइंटेड हुम एज अ सीनियर वाइस प्रेजिडेंट एंड एम डी फॉर द इंडियन मार्केट तो इंडियन मार्केट के लिए सीनियर वाइस प्रेजिडेंट अपॉइंट किसे किया गया इप्सिता दास गुप्ता को नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्लासिकल सिंगर एंड म्यूजिशियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने किस क्लासिकल सिंगर और म्यूजिशियन को प्रेस्टिजियस दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया है तो नाम क्या है इनका पंडित अजय चक्रवर्ती नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के मरचा जो पेडी है यानी मरचा धान है इसे जी टैग मिला है तो ये है बिहार स्टेट से नेक्स्ट क्वेश्चन विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड फ्री वीजा टू सिटीजन ऑफ इंडिया रशिया चाइना मलेशिया जापान इंडोनेशिया एंड थाईलैंड तो किस देश ने इन सभी कंट्रीज को मुफ्त वीजा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया तो ये प्रोजेक्ट शुरू किया श्रीलंका ने श्रीलंका ने इसे शुरू इसलिए किया है ताकि वहां पे जो टूरिज्म है पर्यटन है उसको और प्रमोट किया जा सके नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन हैज बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड बाई द सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल तो ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला है भारत के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड को नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ जमरैनी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट तो किस राज्य के जमरेनी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को शामिल करने की मंजूरी दी है तो ये प्रोजेक्ट है उत्तराखंड स्टेट का नेक्स्ट क्वेश्चन नीदरलैंड का हाईएस्ट ऑनर जो है स्पिनोजा प्राइज इस प्राइज से सम्मानित किसे किया गया डॉ जोयता गुप्ता को नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज लॉन्च्ड यूरोप फर्स्ट कंप्लीटली प्राइवेट रॉकेट नाम क्या है इसका म्यूरा फर्स्ट तो म्यूरा फर्स्ट जो रॉकेट है इस रॉकेट को लॉन्च किया है स्पेन कंट्री ने नेक्स्ट क्वेश्चन हू हैज इम्प्लीमेंटेड थ्री सिक्सटी डिग्री सिस्टम टू इवेलुएट दिस प्रमोशन डिग्री असिमेंट सिस्टम है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किसने किया है इंडियन नेवी नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन टू गोल्ड मेडल इन एशियन पैरा गेम्स ट्वेंटी ट्वेंटी टू तो अभी जो देखिए एशियन पैरा गेम्स हुए थे उसमें दो गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली इंडियन वुमेन कौन बनी शीतल देवी और शीतल देवी बिलोंग करती हैं जम्मू कश्मीर से अगला क्वेश्चन है किस स्टेट के खामटी राइस याक चुरपी और तांगसा जो टेक्सटाइल है इसे जीआई टैग मिला है तो ये प्रोडक्ट कहाँ से है अरुणाचल प्रदेश के नेक्स्ट क्वेश्चन फलस्तीन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास उन्होंने अभी ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड तो किस कंट्री के अगेंस्ट ये ऑपरेशन शुरू किया द आंसर इज इज़राइल नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अवार्डेड द नेशनल किशोर कुमार अवार्ड फॉर द ईयर टू तो 2022 के लिए जो नेशनल किशोर कुमार अवॉर्ड है यह दिया गया है किसे धर्मेंद्र जी को नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज रिटर्न द बुक बुक का नाम है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस तो ये बुक किसने लिखी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अगला क्वेश्चन है वेयर हैज द इंडियन नेवी कंडक्टेड द एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज साइक्लॉन 2023 तो देखिए पहली बात इंडियन नेवी ने इसे कंडक्ट किया और कहाँ पर किया गोवा स्टेट में अगला क्वेश्चन है वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रिसाइड ओवर द ट्वेंटी फोर्थ मीटिंग ऑफ द सेंट्रल रीजनल काउंसिल तो अमित शाह ने कहाँ पर देखिए सेंट्रल रीजनल काउंसिल की ट्वेंटी फोर्थ मीटिंग की अध्यक्षता की तो ये मीटिंग हुई थी उत्तराखंड स्टेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन कंपनी के साथ मिलके और विच कंट्री तो ये कंपनी है फ्रांस की और क्यों किया है ये एग्रीमेंट साइन टू मैन्युफैक्चर हेलीकॉप्टर इंजन पार्ट तो हेलीकॉप्टर्स के जो पुर्जे हैं उन्हें बनाने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन अक्टूबर ट्वेंटी में देखिए अभी प्रगति मीटिंग का फोर्टी एडिशन हुआ था तो इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड स्ट्रोक डे 2023 ट्वेंटी तो विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया गया 29 अक्टूबर को इस दिवस की थीम रही टुगेदर वी आर ग्रेटर देन स्ट्रोक नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज स्टूड फर्स्ट इन द मेडल टेबल ऑफ फोर्थ पैरा एशियन गेम्स 2023 तो चौथे जो पैरा एशियन गेम्स हुए उसके मेडल टेबल में चाइना रहा नंबर वन पे चाइना ने जीते टोटल 521 मेडल्स अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने जो शेड्यूल कास्ट है इंडिया में उनकी एजुकेशन और उनका सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए किस स्कीम को लॉन्च किया तो स्कीम का नाम क्या था श्रेष्ठ योजना नेक्स्ट क्वेश्चन इसरो हैज कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स गगनयान मिशन टेस्ट वहीकल अबोट मिशन फर्स्ट तो पहला जो ये टेस्ट फ्लाइट था गगनयान मिशन का इसको कंडक्ट किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से अगला क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया इलेवेंथ अक्टूबर को और इसकी थीम रही इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स अवर लीडरशिप अवर वेल बींग नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ अवार्डेड अवॉर्डेड ऑनरी डॉक्टरेट डिग्री बाय जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की जो एक तरीके से ऑनर है इस उपाधि से सम्मानित किसे किया गया तंजानिया की प्रेसिडेंट समैया सुलहू हसन को नेक्स्ट क्वेश्चन है टेनिस टूर्नामेंट चाइना ओपन 2023 में वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता तो ये टाइटल जीता है पोलैंड की ईगा स्वितिक ने और मेन सिंगल टाइटल जीता इटली के जेनिक सिनर ने अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंसड टेन परसेंट रिजर्वेशन कोटा फॉर पीपल फॉलिंग अंडर द ई डब्ल्यू एस कैटेगरी इन द जुडिशल सर्विसेज एज वेल एज जो स्टेट के देखिए गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं तो उनमें जो ई कैटेगरी के तहत आने वाले जो भी लोग हैं उनको टेन परसेंट रिजर्वेशन कोटा देने की अनाउंसमेंट किसने की है बिहार गवर्नमेंट ने नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री चीयर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन द ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ इसकी अध्यक्षता किस कंट्री ने की यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अगला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ सेलिब्रेटेड द हंड्रेड एनिवर्सरी ऑफ द क्रिएशन ऑफ इट्स मॉडर्न सेक्युलर रिपब्लिक ऑन ट्वेंटी नाइन अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो किस कंट्री ने सेलिब्रेट किया है अपनी हंड्रेड एनिवर्सरी द आंसर इज तुर्की नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनाउंसड टू सेटअप समक्का सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल टर्मेरिक बोर्ड इन विच स्टेट मोदी जी ने किस राज्य में समक का सरक का जो जनजातीय विश्वविद्यालय है इसकी घोषणा की है तेलंगाना स्टेट में अगला क्वेश्चन देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इंडिया में देखिए ओलंपिक गेम्स को प्रमोट करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एग्रीमेंट साइन किया तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने यह अग्रीमेंट साइन किया है रिलायंस फाउंडेशन के साथ मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज इनग्रेटेड द 82 किलोमीटर लॉन्ग पद्म ब्रिज रेल लिंक बिल्ट विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री तो किस कंट्री की सहायता से ये जो ब्रिज है वो देखिए इसका निर्माण किया गया और ब्रिज का नाम है पद्म ब्रिज रेल लिंक तो यहाँ पे सहायता की थी किस कंट्री ने चाइना ने नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन प्रो कबड्डी लीग ऑक्शन 2023 तो प्रो कबड्डी लीग जो ऑक्शन हुआ था उसमें सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन थे ईरान के मोहम्मद रिजा शादु लई चिया नेक्स्ट क्वेश्चन रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द थ्री सिक्सटी वन वेल्थ हरून इंडिया रिच लिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग भारत के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है मुकेश अंबानी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज यूनियन फिशरीज मिनिस्टर परसोत्तम रूपाला द 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस सोलवी जो कृषि विज्ञान कांग्रेस हुई इसका उद्घाटन किया परसोत्तम रूपाला ने कहाँ पर किया इसका उद्घाटन कोची केरला में नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंट एन एग्रीमेंट टू बूस्ट डिफेंस रिलेशंस तो डिफेंस रिलेशन को बूस्ट करने के लिए इंडिया और किस कंट्री के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और इटली के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो यूनियन मिनिस्टर हैं आयुष और पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के सर्वनंदा सोनेवाल उन्होंने अभी एट्थ आयुर्वेदा जो डे की थीम रही उसे लॉन्च किया और इसकी थीम क्या रही आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरीडे और अब बात करेंगे जो आठवां आयुर्वेद दिवस है वो कब मनाया जाएगा तो ये मनाया जाएगा 10 नवंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियाज नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज़ इंक्रीज बाय 21.8 परसेंट तो अक्टूबर में देखिए भारत का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है ये बढ़कर कितना हो गया है 9.57 लाख करोड़ रुपीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज इंक्रीज्ड इंडिया ग्रोथ रेट एस्टिमेट फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 टू व्हाट परसेंट तो अभी भारत का जो विकास दर है देखिए उसके अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है तो आईएमएफ ने अब कर दिया है इसको 6.3 परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी हैज इनग्रेटेड ट्वेंटी सिक्स एनर्जी टेक्नोलॉजी मीटिंग तो जो छब्बीसवीं देखिए एनर्जी टेक्नोलॉजी मीटिंग हुई ये मीटिंग हुई कहाँ पे भारत मंडपम न्यू दिल्ली में अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला सोलर शहर कौन सा बनेगा द आंसर इज अयोध्या नेक्स्ट देखिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं तो एएमएफआई के जो नए अध्यक्ष बने उनका नाम है नवनीत मुनोत नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल इसरो इंडिया सेकेंड स्पेस सेंटर बी स्टेबलाइज इसरो जो है भारत का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगा तो ये करेगा तमिलनाडु स्टेट के कुलसेकरपट्टिनम में नेक्स्ट क्वेश्चन वेन इज वर्ल्ड साइट डे 2023 ट्वेंटी सेलिब्रेट तो विश्व दृष्टि दिवस ये मनाया गया कब 12 अक्टूबर को ये दिन सेलिब्रेट होता है अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को और इस बार इसकी थीम रही लव योर आईज एट वर्क अगला क्वेश्चन है बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट नंबरलेस क्रेडिट कार्ड तो किस बैंक ने भारत का पहला नंबरलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है तो इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच स्टेट एनिमल हजबेंड्री एंड डियरिंग डिपार्टमेंट हैज़ अनवील्ड द ए हेल्प प्रोग्राम ए हेल्प प्रोग्राम का अनावरण किया गया है कहाँ पे झारखंड स्टेट में अगला क्वेश्चन है विच ऐप हैज बिन लॉन्च बाई द उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कीम रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंसेंटिव टू द यूथ तो उत्तराखंड स्टेट ने देखिए यूथ को एम्प्लॉयमेंट और जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव है इनसे रिलेटेड जो स्कीम शुरू की गई हैं उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया तो एप्लीकेशन का नाम है यंग उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बिकम द बैट्समैन हु हैज हिट द मोस्ट सिक्सेस इन ऑल फॉर्मेट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट तो इंटरनेशनल क्रिकेट के जो सभी फॉर्मेट होते हैं जैसे टेस्ट ओ डी आई टी ट्वेंटी तो इन सभी में सबसे ज्यादा सिक्स लगाने वाले बैट्समैन कौन बन गए हैं रोहित शर्मा अगला क्वेश्चन है हु बीन द न्यू नेम ऑफ प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन ऑफ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम हो गया है माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के नए वाइस प्रेसिडेंट के लिए किस कंट्री को चुना गया तो प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री बनी है इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग द फास्टेस्ट सेंचुरी फॉर इंडिया इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप तो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत की तरफ से सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है किसने रोहित शर्मा ने इन्होंने जस्ट 63 बॉल्स में अपनी सेंचुरी कंप्लीट की नेक्स्ट क्वेश्चन किस स्टेट के जो कैशू हैं काजू हैं उनको अभी जीआई टैग मिला है तो ये से हैं? गोवा स्टेट से अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज सिक्स्थ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट तो इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज एट ब्रिक्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री हेल्ड तो आठवा जो ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन समिट ये आयोजित हुआ फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इस समिट की थीम क्या रही न्यू इश्यूज इन कंपटीशन लॉ एंड पॉलिसी डमेंशन पर्सपेक्टिव्स चैलेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द न्यू नेशनल प्रेजिडेंट ऑफ इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सो आई ए सी सी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है पंकज बोहरा अगला क्वेश्चन है हु बिकम द प्लेयर हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेवन सेंचुरीज इन हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप तो क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा सात सेंचुरी लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए रोहित शर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भेल इंडस्ट्री सिस्टम एंड प्रोडक्ट के नए डायरेक्टर कौन बने द आंसर इज बानी वर्मा नेक्स्ट देखिए झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज ये अभी पूरी तरीके से चालू हो गया है और ये ब्रिज इंडिया और कौन से कंट्री के बीच चालू हुआ है तो ये ब्रिज है इंडिया और नेपाल के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 सेलिब्रेटेड देखिए जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये एक साल में दो बार सेलिब्रेट होता है एक तो अक्टूबर के महीने में और मई के महीने में तो अक्टूबर और मई महीने का जो सेकेंड सैटरडे है उस दिन ये मनाया जाता है अगर हम इस साल की बात करें तो ये मनाया गया है फोर्टीन अक्टूबर और थर्टींथ मे को थीम क्या रही इसकी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ अगला क्वेश्चन है रिलायंस जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने द राइट आंसर इज महेंद्र सिंह धोनी नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर विल द इलेवेंथ एडिशन ऑफ सुल्तान ऑफ जोहर कब बी हेल्ड इन द ईयर 2023? ट्वेंटी थ्री तो दो में जो फ्रेंच सुल्तान जौहर कप का ग्यारहवा संस्करण है कहाँ पे आयोजित किया जाएगा तो ये आयोजित होगा जौहर मलेशिया में नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द फिफ्थ एनुअल डिफेंस डायलॉग बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस तो देखिए इंडिया और फ्रांस के बीच जो पांचवा एनुअल डिफेंस डायलॉग है ये कहाँ पे आयोजित हुआ है पेरिस में और इसमें इंडिया की प्रेसिडेंसी किसने की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट अकेडमिक कोलेबोरेशन तो अकेडमिक कोलेबरेशन देखिए उसको बढ़ावा देने के लिए जो इग्नो यूनिवर्सिटी है उन्होंने कोलाबरेशन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ मिलकर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन इज वर्ल्ड फूड डे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेलिब्रेटेड तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स सिक्सटीन अक्टूबर को और इसकी थीम रही वाटर इज लाइफ वाटर इज फूड लीव नो वन बिहाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन है रिन्यूएबल एनर्जी इंडियन रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के नए डायरेक्टर कौन बने हैं द आंसर इज विजय कुमार मोहंती नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्मी बटालियन हैज़ बीन अवार्डेड द प्रेजिडेंस कलर बाई आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे तो आर्मी के जो चीफ हैं जनरल मनोज पांडे उन्होंने सेना की किस बटालियन को प्रेजिडेंट कलर से सम्मानित किया है द आंसर इज नागा रेजिमेंट अगला क्वेश्चन है विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटीज तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया उसे नाम दिया है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज यूनियन फिशरी मिनिस्टर परशोत्तम रूपाला स्टार्टेड द टेंथ फेज ऑफ सागर परिक्रमा तो परषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा का जो टेंथ फेज है इसकी शुरुआत कहां से की है चेन्नई से नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है देखिए इंडिया के चेयरमैनशिप के अंडर जो जी ट्वेंटी फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की फोर्थ मीटिंग हुई ये मीटिंग पे हुई तो इसका आयोजन किया गया मराकेश में। इज द एथ जानस्कर फेस्टिवल 2023 ट्वेंटी हेल्ड आठवा जो जानस्कर महोत्सव है ये आयोजित किया गया लद्दाख में नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज द फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैम्पियनशिप 2023 टाइटल तो ये चैम्पियनशिप का टाइटल जीता इंडिया के रौनक साधवानी ने और फ्रेंड्स वर्ल्ड जूनियर रैपिड और ब्लिट्स चेस चैम्पियनशिप की विनर कौन रहे अजरबैजान के गोवर बी दिलवा अगला क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में द फेरी सर्विस बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिज्यूम्ड फोर्टी ईयर्स भारत और किस देश के बीच चालीस साल के बाद फिर से देखिए फेरी सर्विस शुरू हुई है तो ये शुरू हुई है इंडिया और श्रीलंका के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मर कैप्टन एलिस्टर कुक हैज अनाउंसड हिस्स रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट तो एलिस्टर क्रिकेट जो है ये किस कंट्री के फॉर्मर कैप्टन रहे इंग्लैंड के वर्ल्ड बैंक एंड विच कंट्री हैव कोलेबोरेटेड टू प्रमोट मिनरल इन्वेस्टमेंट एंड क्लीन एनर्जी जॉब फॉर डेवलपिंग कंट्रीज तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक और जापान ने जो है कोलैबोरेशन किया है अगला क्वेश्चन है यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर अनवील्ड द बर्स्ट ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर तो रविंद्रनाथ टैगोर जी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किया है एस जयशंकर ने और कहाँ पर किया निन्न सिटी वियतनाम में नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनागरेटेड द ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 तो मोदी जी ने इस समिट को इनागरेट किया मुंबई में कौन सा एडिशन हुआ इसका तीसरा एडिशन अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सिक्स्थ पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट वट परसेंट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स हैज इनक्रीज अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़कर हो गई है कितनी परसेंट थर्टी सेवन परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेजिडेंट एंड नोबल पीस प्राइज विनर मार्टी एहतियासी हैज पास अवे तो मार्टी एहतीसारी जो है ये फिनलैंड के फॉर्मर प्रेजिडेंट रहे थे और ये नोबल पीस प्राइज विनर भी रहे अगला क्वेश्चन देखिए फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कांग्रेस लीडर मनोहर सिंह गिल इनका भी देखिए अभी हाल ही में निधन हुआ क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस ईयर उन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था तो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड कब मिला था ईयर 2000 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज इनग्रेटेड नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च तो ये नागालैंड का पहला मेडिकल कॉलेज है और इस कॉलेज को इनोग्रेट किया है हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन विच बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग द इम्प्लाइज वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट और कमीशन अंडर द एम्बिट ऑफ मिनिमम वेज तो पहला राज्य कौन सा बन गया है झारखंड स्टेट नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएट लुइस ग्लूक इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ इनको लिटरेचर में देखें नोबेल प्राइज़ भी मिला है और शी बिलोंग टू विच कंट्री ये बिलोंग करती हैं किस कंट्री से अमेरिका से द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच कंपनी फॉर माइल्ड लाइफ अपग्रेड ऑफ आई एन एस बीस ब्यास तो रक्षा मंत्रालय ने आई एन एस ब्यास का जो मिड लाइफ अपग्रेड है उसके लिए किस कंपनी के साथ में एग्रीमेंट साइन किया तो कंपनी कौन सी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैज़ यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी ने महात्मा गांधी जी की जो स्टैचू है इसे अनवील किया वियतनाम के हो चिन मिन सिटी में द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड द डी ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉयज बाय हाउ मच परसेंट तो केंद्र सरकार ने जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्ते में कितनी बढ़ोतरी करी है फोर परसेंट की अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज सेट अ टारगेट ऑफ सेंडिंग द फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय डैश भारत ने किस वर्ष तक पहले भारतीय को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है तो इंडिया ने टारगेट रखा है 2040 तक नेक्स्ट देखिए विस्टा डोम ट्रेन सर्विस कहाँ शुरू की गई तो ये शुरू की गई जम्मू कश्मीर में किस राज्य यूटी ने स्टार्ट किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन तो इस कैंपेन को शुरू किसने किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन देखिए विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द होप इनिशिएटिव मिशन टू मेक द स्टेट कम्प्लीटली ड्रग फ्री राज्य को पूरी तरह से ड्रग फ्री बनाने के लिए होप इनिशिएटिव को स्टार्ट किया पंजाब गवर्नमेंट ने अगला क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे 2023 सेलिब्रेटेड तो विश्व पोलियो दिवस ये मनाया गया ट्वेंटी अक्टूबर को और इसकी थीम क्या रही इस बार की अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियंस वुमेन क्रिकेट टीम तो जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी नए हेड कोच बनी उनका नाम है अमोल मजूमदार नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपियन यूनियन और इंडियन इंडिया के बीच में जो अभी जॉइंट नेवल एक्सरसाइज हुई ये एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित हुई इसका आयोजन हुआ गल्फ ऑफ गिनी में अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट श्री अन्न महोत्सव हैज बीन सेलिब्रेटेड तो श्री अन्न महोत्सव यह मनाया गया है किस स्टेट में उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड बाय प्यूमा इंडिया एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसिडर तो प्यूमा इंडिया ने अभी देखिए मोहम्मद शमी को अपना नया ब्रांड अम्बेसडर अपॉइंट किया अगला क्वेश्चन है विच मेडल हैज़ बीन बॉर्न बाय इंडियन आर्मी इन द कैम्प्रियन पेट्रोलिंग कंपटीशन ये एक एक्सरसाइज़ है जो कि यूके में इसका आयोजन किया गया और इंडियन आर्मी ने इसमें कौन सा मेडल जीता तो याद रखिएगा इंडियन आर्मी ने इसमें जीता है गोल्ड मेडल सो फ्रेंड्स आज के हमारे मैराथन के सभी टू फिफ्टी क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट होते हैं अब बात करते हैं टेस्ट की तो टेस्ट में देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा मालदीव के जो है अभी नए प्रेजिडेंट कौन चुने गए और दूसरा क्वेश्चन है हमारा विच ऑपरेशन हैज़ इंडिया स्टार्टेड टू ब्रिंग बैक इंडियंस तो जो इसराइल और फ़लस्तीन के ऑर्गेनाइजेशन हमास के बीच युद्ध चढ़ा उसमें देखिए इंडियंस को वापस लाने के लिए इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया सो so फ्रेंड्स आप सभी हमें इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं सो so इसी के साथ फ्रेंड आज की ये मैराथन वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो